हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्रॉब्लम के बारे में। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल में अपनी जीमेल आईडी को इस्तेमाल करते हो और आपको ज़रूरी काम रहता है और आपके जो जीमेल के नोटिफिकेशन हैं वो नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे मेरे नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरा दोस्त मुझे मेल करता है तो मुझे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो इसको ठीक कैसे करना है आइए जानते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। यहाँ पे आपको जो जीमेल का एप्लीकेशन है वो सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप इसे देख लीजिए, अगर इसमें अपडेट मांग रहा है तो इसको अपडेट कर लीजिए। ये मेरा ऑलरेडी अपडेट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद दूसरा स्टेप आपको फॉलो करना है। यहाँ पर आपको अपना जीमेल ऑप्शन में जाना है, यानी एप्लीकेशन में इसको चालू कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपके पास आपकी जो मेल होंगी, यानी किसी ने आपको मेल करी होगी तो आ जाएगी, पर यहाँ पे आपको तीन लाइन दिखाई देगी, तीन लाइन पे क्लिक करना है आपको। सबसे लास्ट में आपको जाना है नीचे की तरफ, यहाँ पे आपको मिलेगा सेटिंग्स, तो सेटिंग्स पे टच करें। यहाँ पे आपके फ़ोन में जो भी जीमेल आईडी होगी वो शो करा देगा, पर यहाँ पे आपको सबसे ऊपर वाला ऑप्शन क्लिक करना है, जनरल सेटिंग, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको दूसरे या तीसरे नंबर पे मिल जाएगा मैनेज नोटिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक करके इसे ओपन करना है। और यहाँ पे आप देख पाओगे मेरे फ़ोन के सारे नोटिफिकेशन बंद हैं, यानी कोई भी जीमेल का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इसकी वजह से मुझे दिक्कत आ रही है तो मैं इसको चालू कर दूँगा यहाँ से, और सारे के सारे चालू कर दूँगा ताकि मुझे दिक्कत ना आए। इसके बाद हम इसे बैक करते हैं, और यहाँ पर कोई भी हमको मेल करता है या कोई भी कंपनी से मेल आता है तो हमको नोटिफिकेशन आ जाएगा ऊपर की तरफ से, और हम इसे चेक कर पाएंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।